जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। यह जो है आपको जो है पूर्व का जो जितने परीक्षा दिया गया उसका जो है इसमें प्रश्न को शामिल किया गया है। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह कौन सा स्थान है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, उसे प्रयागराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ने जो है यानी कि यूपी के प्रयागराज में जो है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्ध गौतम बुद्ध को किया हुआ था। तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को जो है किया हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे जो है इन्हें मृत्यु हो गया था यानी कि यहाँ पे मर गए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पैदा कहाँ हुए थे, तो यह नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो यह इनका जो है बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से जो है यह कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती थी। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किस समकालीन थे। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है किसके समकालीन थे, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन था। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ जो है यह मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को जो है कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो बिहार के सासाराम में जो है यह जो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था। तो औरंगजेब जो है शराब से नफरत करता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया था। तो इनको जो सिंहासन पर जो है कलानौर में 1556 में बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर की मृत्यु कब हुआ था, तो 1605 में हुआ था। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। तो सबसे ज़्यादा बांध आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागौर पठार जो है यह खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से अधिक है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऊटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित स्थानों में से एमरेड द्वीप समूह किस नाम से जाना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा और सोन जो है दोनों नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। तो यमुना में नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी जो है यह जो पटना में जाकर के जो है किससे मिल जाती है, तो ये गंगा से मिल जाती है। जबकि केन बेतवा चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। कोडवा एक लुप्त प्राप्त द्रविड़ भाषा है और दक्षिणी डैश के डोगुल जिले में मूल भाषा है। तो यह किस राज्य में है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कर्नाटक के जो डोगु जिले की मूल भाषा है, कर्नाटक के कोडू जिले के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आधी वर्ष जिसको हम लोग लीप वर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो लीप वर्ष का जनक जो है जूलियस सीजर को माना जाता है, जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेगा? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BPC। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार माथुर को जो है सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको जो है NHRC के में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा 9 सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो विनिवेश आयोग से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए GV रामकृष्णा। GV रामकृष्णा जो है यह आपका जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है यह संघ सूची के विषय नहीं है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की मनोनीत संख्या 12 होती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या होती है? तो लोकसभा में जो विधेयक को पेश करने की सूचना की अवधि 1 माह होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान, भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो यह हो जाएगा छठी अनुसूची में जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम को जो है राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता कितना हो जाएगा? तो 10। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितना से अधिक नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4, 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होता है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? तो कृषि का योगदान जो है 25% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में जो है कृषि विपणन के मुख्य दोष से एक नहीं है? तो कृषि विपणन के मुख्य दोष नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, अनुकूल मंडी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी कहाँ? महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था के जो वकालत विकेंद्रीकृत किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला जो है टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद में लिया गया है? तो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद में लिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 5 गांवों को गोद में लिया गया है। निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? तो निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश।
विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे? तो यह पर खेला गया था भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में जो है भारत में जो है क्रिकेट के सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे। आयतन की जो है एसआई आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर जो है आयतन की एसआई इकाई है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई की गणना निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई मीटर में वजन पर वजन जो है ऊंचाई मीटर में या वजन किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है तो आपका इसका राइट आंसर होगा साधारण जल। आपका इसका राइट आंसर क्या, सॉरी इसमें पूछा गया कि बीच में विद्युत का सर्वोत्तम चालक तो समुद्री जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल क्योंकि इसमें जो है नमक की मात्रा घुला हुआ रहता है, इसके कारण जो है सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः जो है ही आपस में मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः जो आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को जो है डिफ्यूजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डिफ्यूजन। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है यह आपका सौर सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि वृक्क धावनी से जो है यह गुर्दे में जो है रक्त के माध्यम से प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो स्राव यानी कि निकलता है यकृत से, और जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर पित्ताशय में जमा होता है पित्त। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्धांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाएं जो इसकी वाहक होती है यानी कि ढोने वाली। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे तो यानी कि 2000 किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार किसान के नेता थे, तो केवल 2000 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पहचाने जाते थे? तो लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जगदीशपुर बिहार के कुर जगदीशपुर जो बिहार के कुंवरसी का संबंध है तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है इनका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में जो है आरा से भाग लिए थे, जगदीशपुर जो आरा में ही है। किसके प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के निवासी थे, यह जो है पश्चिमी चंपारण में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? तो यह आपका अंकन किया गया है कन्हेरी की गुफाएं में, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, कन्हेरी की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित यानी कि दीक्षा दिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बोधगया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए कुटों को जो है सही कालानुक्रम में सजाइए। तो सरनाल का युद्ध, तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1572 में हुआ था। विलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1540 में हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था, तो 1658 में हुआ था। और जो है जयजाव का युद्ध 1707 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2134 2134 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2134 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मेकाले के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के एकाधिकार को खो दिया था। तो चाय को व्यापारी के एकाधिकार को कब खो दिया था, तो यह जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया था। इसके तहत जो है पूर्णतः व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और आंशिक रूप से जो है 1813 के चार्टर एक्ट में जो है व्यापार समाप्त किया गया था, जबकि पूर्णतः पूछा जाएगा तो 1833 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अकबर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन का सही क्रम हो जाएगा। तो पश्चिम से पूरब सजाना है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, उसके बाद मैकाल और उसके बाद छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए कथन दिए गए हैं और एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र जो है भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कुंजिकल जलप्रपात। कुंजिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। 455 मीटर यह कर्नाटक के जो है शिमोग जिला में है और बरही नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन किसे संबंधित है, तो यह कोपेनहेगन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1992 में। उसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट कब हुआ था, तो 1983 में। उसके बाद आपका जो है यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में। और जो है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन, ये 1972 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4231। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इकोसिस्टम से संबंधित निम्न में से क्या सत्य है। तो
इको सिस्टम से जो निम्नलिखित में से क्या सत्य हो जाएगा, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैव सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैव सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान निम्नलिखित कूट के कीजिए, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो बना था 1953 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम जो है 1975 में बना था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 28 महीने, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों का जो है देश के प्रशासन में कुछ हिस्सों में लेना संभव बनाया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1861 के तहत। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के लिए निर्मित करने का अधिकार दिया गया था, यह जो है प्रस्तुत रहेगा, तो यह कब तक रहेगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 वर्ष से अधिक नहीं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो है गण पूर्ति यानी कोरम कितनी होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन सदस्यों की कुल संख्या का यानी कि जो होता है यानी कि चौथा भाग होता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक सूची दो को सुमेलित कीजिए, चलिए सुमेलित करते हैं, यहाँ राज्य दिया गया है और यहाँ पे जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया गया है, तो आपका हो जाएगा गुजरात में जो है कितना हो जाएगा, तो गुजरात में आपका 12 हो जाएगा। कर्नाटक में आपका कितना हो जाएगा, तो कर्नाटक गुजरात में जो है गुजरात में आपका 11 हो जाएगा। कर्नाटक में आपका कितना हो जाएगा, तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। केरल में आपका कितना है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या सदस्यों की संख्या तो 9 हो जाएगा। उड़ीसा में आपका कितना हो जाएगा, तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा यानी कि 10। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 2, 3, 1, 4। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय विषमता को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यास पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र से जो है या GDP में सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए इसको जो बताते हैं।
यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो यह जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था, तो 28 अगस्त जो है 2014 को। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इंडिया, यह कब शुरू किया गया था, यह 9 मार्च 2015 को। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है यह आपका 8 अप्रैल जो है 2015 को। और जो मुद्रा बैंक योजना जो है यह आपका हुआ शुरू किया गया था, यह आपका हो जाएगा 9 मई, यह आपका हो जाएगा 8 अप्रैल हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है, तो यह आपका हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह जो प्रदान नहीं किया जाता है। जबकि पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण और 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्वास्थ्य। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का ध्यान में तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है यह इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह जो है 1969 में किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ जो है यह 1966 में किया गया था। तो आपका इसका, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 3 2 1, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है, तो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए जो है 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं को जो स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवृत्ति का आरोपण। आवृत्ति का आरोपण जो है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की प्रयुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि, तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, क्या सर क्या चीज निष्कासित करता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो बी सल्फेनिक अम्ल जो है निष्कासित करता है जिसके कारण जो है हमें आंसू आते हैं छिलके उतारने पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो कार बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल का। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तत्व महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसका, तो आपका इसका राइट आंसर होगा आयोडीन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग है, तो लौंग जो है सूखे फूल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा था आपका, तो साइटोकाइनिन या जो पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं, तो पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यह जो है जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल वहन के लिए जो है जाइलम मुख्य जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त होता है। आशा करते हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए
वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय।